एक दिन के बाद मैं सासरे जाबा को विचार कर लियो और रात ने मैं तैयारी करवा का लाग रही और मान लो छोरो सुन लियो माला छोरा को नाम काले हो अयान को हो कुछ माती ही और माला छोरा को देखो पट्टो उतरेड़ो हो युवा टक्का चालिया करते हो अब मालो काम आठ चौमो का नहीं पड़े मालो सासर हो अब रात ने है काम तो मैं गांव में तो ब्याह हूं काको जान को हो अब रात ने विचार कर लिया और सुबह मारा काम से बच जा 7 बजे ही सुबह पहले चाल पड़ा स्टैंड पर जार खड़ा होगा बैठे एक छोरो और खड़े हो बीको भी पट्टो साफ अबे दोनों तो साइड में खड़े होगा और मैं साइड में खड़े और बीड़ी पीवा लागो हो क्यों बदनाम ज्यादा बीड़ी पीवा को ज्यादा शौक तो मैं साइड में और बीड़ी चाय से पीवा लागो बस को टाइम पूछो बोले 7:15 बजे आवेगी भाई अब मार लो छोरे की छोरा ने जब कुल पड़े वे दोनों जानकारी काटवा लागा बीको भी पट्टो साफ मार लागो पट्टो साफ अब मार लो छोरो भी ना पूछवा का लाग रही है के पूछ रही हो देखो बोलो भाई जी या बस कितने बजे आवगी अब मान लो तो यहाँ पूछवा का लाग रही हो और अब दूसरो खड़े हो बिको पट्टो साफ हो के कहवा का लाग रही हो वो क्यों अड़क में तो भी का उड़ी कूड़ी को हो रही होती है और साइड में मुंह को मार बोला बाग लाग रही हो कि बोल बाग लाग रही हो बोले कौन मैंने कहे इन्हें करता करता इतनी देर का मान बस आ गई बस का मान चढ़ गया एक कान दो दो की सीट बुक एक कान तीन तीन की सीट बुक जी का माने एक सीट खाली अब तीनों चढ़ गया जो पहले डो स्टैंड पर खड़े हो तो बारी का नहीं फिट हो मान ला छोरा ने बीच में ठा लियो मैं उरली साइड में बैठ गो बस चाल पड़ी चालता चालता अब आन तो जग कौन पड़ा गाड़ी का मैंने वो जो कुदमात करवा लगा अब मान ला छोरा का उरियो देर कुड़ी को बोलवा का लाग रही हो छोरो जो स्टैंड पर खड़े हो प्रेम से बोलवा का लाग रही हो बिने बोलो भाई जी के टेम हो अच्छा अब मारला का दो बारी पूछो बोलो वो जो पूछ बला को बोलो भाई जी के टेप हो अब मारला छोरा का दो बारी उरी होती है कुंडी को जना मारला छोरा का दर्द हो मारला छोरो पड़ता है बोलो बाप बापू एक तो सर यू अब यहाँ करता करता बस ना दर्द हरेगी दोनों अब ताऊ जी बैठा मियाँ का कोई समझदार गैलिया ने बैठे मान ली सीट्स के पीछे ही अरे बोले एक काम करो बोले यार नीचे पटक दो ये बस ना कौन चाल बंदीगा आज से एक समझदार बुजुर्ग जी बैठे आ गई वह बोले एक काम करो नीचे मत पटको आना आगे सी जा चौकी में दे दो अब साहब चलता चलता नजदीक चौकी पड़गी मटेसी बस पड़ी बस आई बस साइड का मान बस खड़ी बोली बस आ खड़ी माली भी साइड में जा खड़ी लागी अब उतर का मैं तो खेल खेल रहे मान लो छोरो आगा कर वो पिकअप बीच खेल बीच कर अब साहब थानादार जी को पट्टो साफ थानादार जी साहब में बैठा चश्मा नीचे न करिया और काला अक्षर कर बाग लाग गया थानादार जी देखिया कि तगड़ाई मेहमान आ रही कोई न कोई अब थानादार जी देखता ही दी गया जाता है थानादार जी बोलबाग लाग रही बोलो रुक जाओ क्या बात है जरा मालो पड़ तो बोलो थानादार जी या थाली बात है अच्छा? थानादार जी समझ को दोनों को पट्टो साफ बोलो।